लाइफ प्रोसेस चैप्टर का हमने जितना भी टॉपिक पढ़ लिया, अभी जो लास्ट टॉपिक रिमेनिंग टॉपिक बोल सकते हो वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीशन इज व्हाट? एक्सक्रीशन इज जनरली रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बाय द सेल्स बोल सकते हो। जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, उनका रिमूवल को ही क्या कहते हैं, उनका रिमूवल को कही जो है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ठीक है। नाउ जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये सभी सेल से बने होते हैं। वी ऑल नो दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है ना। ये नाउ तो है। सेल्स वर्क ऑल द टाइम फॉर सस्टेनिंग द लाइफ। ये सेल जो है ये डे मतलब हमेशा जितने जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, अल्टीमेटली सेल से बने हुए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग हो, सब लोग क्या बने हैं, सेल से बने हुए हैं कि नहीं। एंड ये यस सेल सर। क्या करते हैं, डे एंड नाइट एवरी डे एवरी ईयर हमेशा काम करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं जिंदा रखने के लिए, या खुद जिंदा, सेल जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, है ना। तो ये डे एंड यस नाइट एवरी टाइम ये वर्क करते रहते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। एंड जितना जो भी वर्क ये लोग करते हैं, ठीक है, ये इसको क्या कहा जाता है, किस तरीके का वर्क कहा जाता है, बेसिकली किस फॉर्म में ये वर्क करते हैं, दे वर्क इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो केमिक केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन, है ना कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन इनके अंदर में चलते रहते हैं। जैसे हमने रेस्पिरेशन का पढ़ा, सेल में जब ऑक्सीजन जाता है फूड को बर्न करता है, दैट इज ऑल्सो बायोकेमिकल रिएक्शन। तो सेल का जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस चलता है, एंड कुछ ना कुछ बायोकेमिकल फंक्शन जो है ये एनी टाइम करते रहते हैं। एंड ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसके जरिए क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है, टॉक्सिक प्रोडक्ट बोल सकते हो, पॉइजनस वेस्ट बोल सकते हो, वो प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल प्रोसेस चलते रहता है सेल के अंदर पे, वैसे वैसे ये वेस्ट भी जो है कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहते हैं। और ये वेस्ट अगर बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाए, अक्यूमुलेट हो जाना मतलब बॉडी में ही जमा, अंदर अगर ये वेस्ट बॉडी में ही अक्यूमुलेट हो जाए देन दिस कैन बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये क्या है, ये पॉइजनस वेस्ट है, ठीक है। ये जो वेस्ट है ये पॉइजनस वेस्ट है, तो अगर ये बॉडी में ये वेस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन के बाद अगर ये सेल में ही जमा रहे, एक्यूमुलेट हो जाए सेल में, तो ये जो है ह्यूमन बीइंग के लिए या कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक खतरा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या जरूरी है, ये जो वेस्ट है इस रिमूव वेस्ट को कंटिन्यूअसली, इस वेस्ट को कंटिन्यूअसली क्या करना है, रिमूव, कंटिन्यूअसली रिमूव करना है। तो एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। हम लोग ने जो एक यस चैप्टर यहाँ तक पढ़ लिया है, अब तक ये नॉलेज तो आ ही गया हमको, ये सेल जो है लिविंग जिंदा रहने के लिए उसको खाना चाहिए, उसमें वो एनी टाइम काम करते रहता है, एंड काम करते करते कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे ही जैसे ऑक्सीडेशन जब होता है तब उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वेपर प्रोड्यूस होता है, वाटर वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है ना, एंड ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी इज यूजफुल, एनर्जी को बॉडी कंज्यूम कर लेता है। मैं अगर ह्यूमन बींग की बात करूँ, एनर्जी या कोई भी सेल में एनर्जी को सेल खुद कंज्यूम कर लेता है, बिकॉज उसका लाइफ, उसका जो प्रोसेस है उसको, लाइफ प्रोसेस को आगे करने के लिए उसको एनर्जी का जरूरत होता है, तो एनर्जी वो खुद कंज्यूम कर लेता है। वाटर काफी हद तक यूजफुल है तो वो रह जाता है, एंड जो भी यस अनयूजफुल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जरूरत नहीं होता है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अगर इसको रिमूव सर। यस तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि सर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो एनर्जी लेस फील करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें मतलब आते हुए भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो रहा है, तो बॉडी जो है ठीक से, या सेल जो है ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाए। तो वो जो वेस्ट निकला है वो एक्चुअली किस किसके जरिए निकला है, बिकॉज ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल, एंड दैट वेस्ट इज वॉट टाइप ऑफ वेस्ट, दैट इज पॉइजनस वेस्ट। वो पॉइजनस वेस्ट है, अगर वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, इट विल बी हार्मफुल फॉर द बॉडी, हार्मफुल सो बॉडी नीड्स टू रिमूव दोस वेस्ट।
एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दोस टॉक्सिक वेस्ट इज एक्सक्रीशन। हम यही चीज पढ़ने वाले हैं इसमें कि जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। नाउ एक्सक्रीशन के बाद एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट को हमने एक्सक्रीट करते हुए कभी नहीं देखा होगा, या फिर देखा होगा भी तो समझ में नहीं आया। हमने कभी हमने हमेशा एनिमल को एक्सक्रीट करते देखा है, तो वो हमारे दिमाग में है कि यस एनिमल्स डू एक्सक्रीट, ह्यूमन बींग डू एक्सक्रीट, लेकिन क्या प्लांट कभी एक्सक्रीट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, प्लांट कैन एक्सक्रीट ऑल्सो, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट। उस प्लांट में भी कुछ हार्मफुल जो है प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड उनको वो रिमूव करना पड़ता है। जो प्लांट का जो एक्सक्रीशन है वो कितने तरीके के हो सकते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, मैं बताता हूँ। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स लिख लेना, यस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। नंबर वन, गैसियस वेस्ट। प्लांट में जो है कुछ गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और गैसियस वेस्ट लाइक जब उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द गैसियस वेस्ट, है ना, जब फोटोसिंथेसिस सर। होगा ऑक्सीजन इज द गैसियस वेस्ट। तो इस तरह के जो गैसियस वेस्ट है इसको कैसे एक्सक्रीट करते हुए प्लांट, स्टोमेटा के थ्रू। कैसे? स्टोमेटा के थ्रू। एंड व्हाट इज स्टोमेटा? यू ऑलरेडी नो, गैसियस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा से होता है, एंड जो स्टेम होता है ट्री का, ट्री के स्टेम में कुछ लेंटिसेल्स होते हैं, उसके जरिए भी जो है एक्सक्रीट किया जाता है। ऐसे करके ट्री देखा होगा तो ट्री में कहीं कहीं पर ऐसा टाइप का कुछ बना रहता है ना, हाँ यस सर, इस टाइप का गोल बना रहता है। हाँ, तो यहाँ से भी प्लांट जो है गैसेस एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन्स गैसेस वेस्ट अगर कुछ बनता है यहाँ से वो लोग एक्सक्रीट करते हैं। ये चीज तो देखा ही हाँ होगा सर, ना? देखा हूँ तो। हाँ हाँ देखा ये है ना, देखा हूँ मैं। ऐसा मान लो ये ट्री है, ये ट्री है, ऐसे करके ट्री इधर पे कहीं पर ऐसा करके ये गोल 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 है एक टाइप का, फिर थोड़ा नीचे इधर से थोड़ा सा इधर पे जाके ये मतलब बार बार जो है ये हर जगह पे जो है इस तरह का मिलता है। तो यहाँ से भी ये लोग क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, गैसेस एक्सक्रीशन के लिए वो लोग स्टोमेटा का यूज करते हैं एंड लेंटिसेल्स का यूज करते हैं। देन नंबर टू, और वो लोग जो स्टोर्ड सॉलिड वेस्ट होता है या लिक्विड वेस्ट होता है, इनको वो लोग कैसे मतलब रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, बाय शेडिंग लीव्स, है ना, पत्ते को झाड़ देना। उसके बाद पीलिंग ऑफ बार्क, कभी कभी देखा होगा तुमने कोई कोई ट्री का जो बार्क होता है, बार्क मतलब स्टेम का बाहर वाला हिस्सा, जैसे हमारे बॉडी में चमड़ा होता है ना, तो ट्री में क्या यस होता सर, है, बार्क, ठीक है। बार्क। तो कहीं कहीं पर तुमने देखा होगा कि पेड़ का जो बार्क है वो अपने आप निकल रहा है ना, ऐसा यस लगेगा कि वो मर रहा है, ऐसा ट्री, वो मर नहीं रहा है एक्चुअली, वो क्या कर रहा है, अपना सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट को उसमें से वो निकाल रहा है। एंड समटाइम्स फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स में भी अगर फ्रूट्स में भी जो है अपना ट्रीज अपना वेस्ट को स्टोर करते हैं, एंड वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, गिर जाता है, गिर जाता है। ठीक है। तो शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, इससे वो लोग किस तरीके का वेस्ट को रिप्लेस करते हैं, इससे वो लोग जो वेस्ट रिप्लेस करते हैं वो सॉलिड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जो कि स्टोर किया हुआ रहता है बहुत दिन से, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, ठीक है। देन नंबर यस सर, थ्री, गम्स एंड रेजिन्स। गम्स एंड रेजिन्स तुम अगर देखोगे बहुत सारा मोटे मोटे पेड़ में, है ना, स्टेम के सर। बाहर जो है कुछ गम लाइक चीज जो है बाहर निकला हुआ रहता है, देखा है कभी ऐसा चीज? अगर हाँ नहीं सर, देखा देखा हूँ है, तो नहीं देखा है तो नहीं तुम कर सकते सर्च कर सर। सकते हो, ठीक है। गम्स एंड रेजिन्स इन प्लांट्स, तो तुमको दिखाएगा एक स्टिकी है ना गम लाइक चीज जो है स्टेम के बाहर कहीं कहीं पर वो निकला हुआ है या बिखरा हुआ है, तो वो भी एक तरह का क्या है, वेस्ट है जो प्लांट जो है अपने बॉडी से बाहर निकाले हुए, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्चुअली बहुत दिन से कहीं पर कहीं ना कहीं सीक्रेट किया जाता है, एंड देन उसको धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। एंड नंबर फोर, सम सब्स वे सब्सटेंस इन टू द सॉयल अराउंड देम, कुछ वे सब्सटेंस को वो लोग क्या करते हैं, सॉयल में भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वे सब्सटेंस इन टू सॉयल,
अराउंड देम, कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को वो लोग क्या करते हैं, प्लांट्स सॉयल में भी डाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये तो हो गया चार तरीका जिससे वो लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नाउ इनका वेस्ट प्रोडक्ट है क्या, वो भी हम लोग को जानना पड़ेगा कि प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है जो ये लोग बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, एंड वाटर वेपर होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो कब प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग का ह्यूमन बींग का सेल में रेस्पिरेशन होता है, प्लांट के सेल में भी रेस्पिरेशन होता है, बिकॉज विदाउट रेस्पिरेशन एनर्जी नहीं मिलेगा, इसलिए रेस्पिरेशन जो है जरूरी है। तो मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, मेन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इज CO2, ठीक है, देन H2O। इसको ये क्या है एक्चुअली, वाटर वेपर है ना, और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो तुम सोच रहे हो कि सर CO2 तो मतलब नहीं सर, नाइट टाइम हाँ राइट, ठीक है, CO2 वो लोग ज्यादा से ज्यादा नाइट टाइम में रिलीज करते हैं उस समय, ठीक है। नाउ ये जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर है, ये दोनों वेस्ट कब रिलीज होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन होता है, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नाइट टाइम में रिलीज होता है, ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और ऑक्सीजन कब होता है, ऑक्सीजन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हाँ डे टाइम, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है एंड ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। और ये जो ये क्या है हमारा CO2, H2O इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो गैसियस वेस्ट। ये तीनों का तीनों क्या है, गैसियस वेस्ट है। एंड ये गैसियस वेस्ट को कहाँ से रिमूव किया जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये गैसियस वेस्ट को रिमूव किया जाता है स्टोमेटा से या फिर स्टेम में जो लेंटिसल्स होते हैं, हाँ उससे इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। नाउ प्लांट्स जो है कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को थोड़े कुछ दिनों तक या कुछ समय तक अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर भी करते हैं एंड उसको बाद में फिर उसको जो है रिमूव करते हैं। ठीक है, एंड उसको बाद में कैसे रिमूव करते हैं, जो हमने सेकेंड चीज देखा था रिमूवल प्रोसेस उसका, वो थ्रू शेडिंग ऑफ लीव। देखो शेडिंग ऑफ लीव हर रोज नहीं होता है, शेडिंग ऑफ लीव जो है बहुत दिन बाद बाद होता है, दैट मीन्स काफी ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट उसमें एक्यूमुलेट हो जाने के बाद उसके बाद जाके वो क्या हुआ है, एक्सक्रीट हुआ है ना। तो शेडिंग ऑफ लीव्स के जरिए, उसके बाद पीलिंग ऑफ बार्क या फिर फ्रूट्स गिर जाना, इसके जरिए जो ये लोग मतलब रिमूव करते हैं वो किस तरीके का वेस्ट रहता है, वो सॉलिड वेस्ट रहते हैं बेसिकली, क्या रहते हैं, सॉलिड वेस्ट, ठीक है। एंड ये सॉलिड वेस्ट जो है प्लांट का ज्यादातर, ठीक है, किसमें स्टोर हो जाते हैं, फ्रूट्स में स्टोर हो जाते हैं, किसमें, फ्रूट्स में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज। इसको क्या कहा जाता है, रेफाइड्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेफाइड्स, ठीक है। अगर रेफाइड्स का डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या लिखोगे, द सम ऑफ द प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड इन द फ्रूट्स ऑफ प्लांट। किस तरह का वेस्ट है, ध्यान रखना ये है सॉलिड टाइप का वेस्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, हाँ इन द फ्रूट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज, ठीक है, एंड इसी को कहा जाता है कॉल्ड रेफाइड्स। इसको क्या कहा जाता है, रेफाइड्स, ठीक है, समझ में आया। ये पार्ट फिर से बताता हूँ, प्लांट जो है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर करते हैं, ठीक है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो स्टोर्ड वाला वेस्ट प्रोडक्ट है वो या तो लीव्स में स्टोर हो सकते हैं, या तो स्टेम में स्टोर हो सकते हैं, या तो फ्रूट्स में स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। अगर लीव्स में स्टोर हुआ तो इसको कैसे रिमूव किया जाएगा, बाय शेडिंग ऑफ लीव्स। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब लीव्स को सेड कर दिया जाएगा। स्टेम में अगर है तो वो इस वो किसके, हाँ ठीक है, उसके बाद ना फ्रूट्स
फ्रूट्स में जो वेस्ट स्टोर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेफिड्स कहा जाता है, एंड इसको कैसे रिमूवल किया जाता है, इसको रिमूवल किया जाता है फ्रूट को गिरा के। देखो बहुत देर तक अगर फ्रूट्स पेड़ में लटके हुए हैं और उसको निकाला नहीं गया है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो फ्रूट्स एक टाइम बाद खुद ही झड़ जाता है। देखा है अगर तुम्हारे घर में कोई भी फ्रूट्स का पेड़ होगा तो तुमने अगर उसको टाइमली नहीं निकाला है तो देखोगे कि वो एक टाइम बाद क्या होगा, खुद ही झड़ जाएगा। देखा है ना। सर उसके बाद क्या, फिर वहीं पे नया ग्रो होगा। ठीक हाँ, वो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वहाँ से हो सकता है। ठीक है ठीक है। और ये रैफिड्स जो है अल्टीमेटली कब रिलीज कब जो है रिमूव होता है, जब फ्रूट्स पेड़ से डिटैच हो जाते हैं उस समय पे ये रैफिड्स जो है रिमूव हो जाते हैं। रैफिड्स आर रिमूव व्हेन फ्रूट्स गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम ट्रीज। अल्टीमेटली जब ट्री से ये डिटैच हो जाते हैं तब जो है ये रैफिड्स है ये रिमूव हो जाते हैं प्लांट से। ठीक है। तो ये ओके एक्सक्रीशन सर, इन प्लांट्स का तरीका है, अलग अलग तरीका है। एंड गम्स एंड रेजिंस है ना, बुक में देखना पिक्चर दिखेगा या फिर तुम सर्च भी कर सकते हो तो तुम गम्स एंड रेजिंस का पिक्चर दिख जाएगा। इवन अपने बाहर में कहीं कोई पुराना ओल्ड ट्री में देखोगे तो वहां पर भी दिखेगा, स्टेम में इधर उधर नीचे जहाँ तहाँ जो है गम स्टिकी चीज कुछ दिखाई देगा जो गम्स एंड रेजिंस होते हैं। ठीक है। सर। नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ये हमने प्लांट्स का देखा, अभी देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स का कि एनिमल्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं। इसमें से सिर्फ ह्यूमन बींग का आज हम लोग नहीं करेंगे, बट जो तुम्हारा एमीबा है, अर्थवर्म है, ठीक है, ये दोनों का मैं बता दूंगा कि ये ज़्यादा नहीं है। एंड ह्यूमन बींग्स का हम नेक्स्ट डे फिर जो एक्सक्रीशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सर देखो यहाँ पर एमीबा क्या है, एमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है। एमीबा क्या है, एक सिंगल सेल सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल इसका क्या बनता है, ये एक सिंगल सेल है तो उसमें जब ऑक्सीडेशन होता है मतलब ऑक्सीजन उसमें जब जाता है ना, एंड सेल में जो खाना है ब्रेक डाउन होके उसको थ्रू डिफ्यूजन साइटोप्लाज्म में मिक्स होके, ये सब प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, मिक्स होके अल्टीमेटली उनको एनर्जी मिल जाता है, जो भी फूड है वो उनको मिल जाता है। उसके बाद क्या बच जाता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है कि नहीं। वेस्ट हाँ, एक्सक्रीशन इन करो। एनिमल्स, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे रिमूवल करते हैं, वो थ्रू डिफ्यूजन। और इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या रहता है, एमीबा का हम पढ़ रहे हैं, इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या रहता है, अमीबा क्या है, एक प्रोडक्ट सेल है, तो ऑब्वियसली हाँ, इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन है ना। डाइऑक्साइड। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव किया जाता है, थ्रू डिफ्यूशन। डिफ्यूशन के जरिए जो है सेल मेम्ब्रेन से बाहर इसको फेंका जाता है। ठीक है। डिफ्यूशन होना मतलब सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाना। ठीक है। जैसे मान लो अगर ये मेम्ब्रेन है और इस साइड है गैस के मॉलिक्यूल्स, तो इसको आर पार करते हुए इस साइड आ जाना, दैट इज डिफ्यूशन। ठीक है। तो थ्रू डिफ्यूजन ये लोग जो है अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है एंड एक्सेस वाटर है इसको कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीकल की तरह व्हीकल के जरिए जो है रिमूव किया जाता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट CO2 थ्रू डिफ्यूजन रिमूव होता है, और नाइट्रोजनियस वेस्ट एंड वाटर। ठीक है। एक्सेस वाटर अगर है, देखो वाटर तो उनको चाहिए लेकिन अगर एक्सेस है तो उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एमीबा का। नाउ अर्थवर्म, द टूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इन एडिशन टू नेफ्रिडिया द मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवर्म ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अर्थवर्म का अगर आप पूछा जाए तो वो किससे करते हैं, नेफ्रिडिया से करते हैं, जो किस तरह का स्ट्रक्चर है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इसके अलावा जो उनका मॉइस्ट स्किन है अर्थवर्म का उसके थ्रू भी वो लोग एक्सक्रीट करते हैं। तो ये दोनों को टिक कर लो, एंड नेक्स्ट क्लास में जो मैंने बोला कि ह्यूमन बींग्स का जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन का
वो डिटेल में हम लोग समझेंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग का जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है एंड बहुत सारे ऑर्गन तो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं हर एक प्रोसेस में, राइट फ्रॉम तुमने जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस देखा, उसके बाद क्या देखा, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम, तो सभी में जो है बहुत सारा ऑर्गन्स, बहुत सारा पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ह्यूमन बींग में जो जनरली प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो आई होप आज का मेन जो था वो प्लांट के था, तो प्लांट का जो टॉपिक है मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, तो कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को बताना। ठीक है, डाउट अगर कुछ भी है